हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम आप लोगों को फ्लावर पॉट बनाना सिखाएंगे। जैसे कि देख लीजिए आप लोग, ये फ्लावर पॉट है और इसमें सामान क्या क्या लगेगा आप लोग वो जान लीजिए। मोल्डेट है, मोल्डेट लगेगा, ग्लास कलर लगेगा और जो फ्लावर पॉट पे आप लोगों को कलर करना हो वो आप लोग कलर ले लीजिएगा। उसके बाद फेविकोल रहेगा और पाउडर कोई भी ले लीजिए और पानी थोड़ा सा लगेगा। तो जैसे कि इसको हमने थोड़ा सा पहले से डेकोरेशन कर लिया है आप लोगों को समझाने के लिए, क्या करेंगे फेविकोल में थोड़ा सा पानी मिला देंगे, इसमें कलर कर देंगे। तो उससे क्या होता है, जो कोई कलर आप करेंगे, कोई भी कलर करिएगा, उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग और बहुत अच्छी मजबूती आती है। तो पहले फेविकोल में पानी मिला के कलर कर लीजिएगा, फिर उसके बाद कोई भी कलर आप लोगों को पसंद हो वो कलर कर लीजिएगा। उसके आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगी। अगर लाइट हो थोड़ा सा डार्क कर लीजिए अच्छे से फिनिशिंग, फिर उसके बाद आप लोग थोड़ा सा ये फेविकोल लेंगे, फेविकोल लेने के बाद ये पानी ये डालेंगे, फेविकोल में थोड़ा सा कलर डालेंगे और पानी डालेंगे, फिर आप कलर कर देंगे। जैसे कि अभी मैं करने जा रही हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा करना। ये देखिए, ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा कलर डाला है और फेविकोल डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है, तो इस तरह का बन जाएगा। और बनने के बाद हमको इसमें ऐसे कलर करना रहेगा, फिर से डबल कोट आप लोग इसमें पूरा ऐसे ऐसे करके गुलाब कर लीजिए। ब्लैक कलर ले लेंगे, ब्लैक से बॉर्डर करना रहेगा। ये नीचे बॉर्डर करना रहेगा और ये ऊपर करना रहेगा, इसको कर लीजिए, कर लेते हैं ऐसे, बॉर्डर कर लीजिएगा, नीचे भी ऐसे कर लीजिएगा और उसको सूख जाए। जब सूख जाए उसके बाद आप लोगों को ये दो मोल्डेट डालेंगे। तो आप लोग ये डिब्बा खोलेंगे तो इसके अंदर दो प्रकार के मोल्डेट आएंगे और ये मोल्डेट निकाल के दोनों को मैच कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा ऐसे लेके पतला पतला इस तरह कर लीजिए और पेन से इसमें इस तरह ड्रॉ कर लीजिए जैसे भी डिजाइन आप लोगों को चाहिए हो। फिर उसके बाद इसको काट करके जैसे डिजाइन वैसे आप करते जाइए, हम करके आप लोग कर लीजिए। देखिए इस तरह अभी तक मैंने ऐसी डिजाइन बनाई है, तो आप लोग भी बनाते चलिए। देखिए तो इतना हमने ऐसे बेल लिया है, देखिए मैंने ऐसे करके ऐसे इसको बेल लिया है और अब इसको ऐसे कर देंगे। ऐसे करने के बाद इसको ऐसे एक मिनट सॉरी ग्लू लगाना है। ऐसे आप इसको इसकी ग्लू पर पीस काट के बेल के जैसे कर दीजिएगा, तो इतना मेरा ये अभी तैयार हो गया है। ये देखिए इतना तैयार कर लिया है। अब इसमें क्या करना है, अब इसको कलर करना है, तो कलर कर लेंगे इस पर। ये देखिए मैंने इस पर कलर कर लिया है, अब इसको सूख जाने देते हैं। सूखने के बाद एक और इसमें और कर देंगे तो थोड़ा सा और फिनिशिंग आ जाएगी। ग्रीन कलर करने के बाद इसमें हमने गोल्डन कलर कर दिया है, तो देखिए शाइन करने लगा है और छोटे छोटे स्टोन और मोती से हमने इसको सजा दिया है, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फिर उसके बाद हमने इसमें ये फ्लावर लगा दिया, तो अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, देख सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।